नजफगढ़ थाने की महिला पुलिसकर्मी दल 4 दिन से लगातार अपने पुलिस जवानों के लिए रोजाना 3 घंटे में बना रही है 1000 फेस मास्क। कोरोना जैसी भयंकर महामारी के चलते राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन के चलते दिल्ली पुलिस जवानों को ज्यादातर निरंतर बाहर रोड पर रहना पड़ रहा है और खड़े होना पड़ता है। इस महासंक्रमण महामारी में फेस मास्क पहनना फायदेमंद है, जिन्हें पुलिस को ड्यूटी के दौरान पहनकर रखना पड़ता है, जिसके चलते महिला पुलिस कर्मियों ने पास के एक सिलाई सेंटर जो इस समय खाली पड़ा हुआ है उसके थोड़े घंटे के लिए ऐसे फेस मास्क बनाने का विचार किया जिन्हें अच्छे से धोकर दोबारा यूज द्वारा इस्तेमाल किया जा सके। नजफगढ़ ACP विजय सिंह ने इस बात की मंजूरी देते हुए 12 पुलिस कर्मियों को सारा मटेरियल उपलब्ध करवाया। इन 12 महिला पुलिस कर्मियों द्वारा सिलाई सेंटर में हर रोज 3 घंटे में लगभग 1000 फेस मास्क अपने स्टाफ पुलिस कर्मियों के लिए तैयार कर रही हैं। आला अधिकारी अनुसार इन फेस मास्क की खासियत यह है, यह एक अच्छी क्वालिटी के कपड़े से तैयार किया जा रहा है और इन्हें धोकर दोबारा सही से इस्तेमाल किया जा सकता है। 4 दिन से लगातार इस काम में जुटी महिला पुलिसकर्मी अब तक 4000 फेस मास्क तैयार कर चुकी हैं। जरूरत के मुताबिक यदि इनको कहीं बाहर जाने की जरूरत पड़ती है तो यह तुरंत वहां पहुंचकर मोर्चा संभाल लेती हैं। मीडिया समक्ष बताते हुए महिला पुलिसकर्मी दस्ते ने कहा, हम यह काम स्वेच्छा से कर रही हैं। दिन भर में खासकर 3 घंटे के लिए किया गया यह काम हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। इसको करते हुए हमें जो खुशी मिल रही है उसको हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकती और इस काम को हम श्रम दान के तौर पर कर रही हैं। मार्केट में फेस मास्क की कमी के चलते इनके द्वारा किया गया यह काम इस समय अपने आप में एक अहम रोल अदा कर रही है जो अत्यंत प्रशंसनीय है। समस्त दिल्ली पुलिस के अंदर इनके द्वारा किए गए इस कार्य की जमकर तारीफ हो रही है। पुलिस द्वारा किए जा रहे कार्यों से सबक लेते हुए यदि हम भी अपने अपने इलाके को इस महामारी संक्रमण से बचने के लिए एकजुटता से काम करेंगे तब इस महामारी पर अवश्य ही हमारी जीत हो। दिल्ली से विशेष संवाददाता अनीता गुलेरिया की रिपोर्ट।